हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी वो उसके लिए क्या इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और इस इक्वेशन में कौन कौन सी टर्म हमने यूज किए हैं वो है s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो s क्या रहेगा, s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, u रहेगी इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, a रहेगा a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और t इसमें रहेगा टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विच इज s। तो s क्या रहेगा इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। s डिस्प्लेसमेंट रहेगी या डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगी उस ऑब्जेक्ट की, u रहेगी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ए रहेगा उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ इस इक्वेशन को डिराइव करना होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होगी और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए फोर टाइम टी, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस। तो इसी इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ की हेल्प से हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और उस ग्राफ में हम लेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और टाइम लेंगे हम अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे। तो इस ग्राफ को समझने के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और t टाइम में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस s। और s क्या है ये, s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इन टाइम t। तो t टाइम में ये इतनी डिस्टेंस कवर करता है जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो इन्हीं सभी चीजों का हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए और इसको हम ग्राफिकली डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, और टी टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी, जब वो मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर है u, और जैसे जैसे वो मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो हो जाएगी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। जब हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं आफ्टर t टाइम t, जब वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में भी इंक्रीज होगा, और वो जो इंक्रीज होकर जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आफ्टर टाइम टी वी। तो इस टी टाइम के बाद, तो मान लीजिए यहाँ पर इतने टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी। तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के लिए, तो और ये v होगी, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और पिछले वीडियो की तरह या पिछली इक्वेशन की तरह ही हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस y एक्सिस पर इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस पर। तो हमें इस तरह की एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगी। तो इसी ग्राफ का हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को कोई पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है
ये है ए। तो अब हम इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देंगे। ये पॉइंट है ओ, ये जो पॉइंट रहेगा इसके लिए हम ले लेते हैं ए, और जो ये पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा बी, और यहाँ पर जो पॉइंट है उसके लिए हम सी ले लेते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डी ले लेंगे। तो जो ये डिस्टेंस रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वैल्यू रहेगी यू। इसी तरह से जो ये डी सी पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस रहेगी सी डी की, वो इसके इक्वल ही है, और इसको भी हम क्या ले लेंगे, यू। और जो डी बी, जो डी बी जो डिस्टेंस रहेगी, वो डिस्टेंस रहेगी डी बी इज इक्वल टू वी। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, वी रहेगी, क्योंकि हम यू को भी यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी को भी यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस एक्सिस पर, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहेगी इस बी डी की। तो किस तरह से हम इस ग्राफ का यूज करके हम इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है यहाँ पर। तो इस ग्राफ से हम जो लाइन है अपनी ए बी, तो ए बी जो लाइन रहेगी इसके अंडर, इसके नीचे जितना एरिया रहेगा, वो जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा उस ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि उस ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी आफ्टर टाइम टी। तो हम इसी पॉइंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। माइंड में यही रखना है हमें कि जो एरिया होगा, एरिया अंडर द लाइन ए बी गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, कि वो टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उस ऑब्जेक्ट की, वो हमें पता चलेगा इस पर्टिकुलर एरिया से। तो जो ये एरिया रहेगा अंडर द लाइन, यही हमें बताएगा अबाउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम टी क्या रहेगा, इज इक्वल टू द एरिया, वो हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, कौन सा एरिया अंडर द लाइन ए बी। तो जो लाइन ए बी है उसके नीचे कितना एरिया रहेगा, वही हमें कैलकुलेट करना है, और वही हमें बताएगा उस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जो एरिया है वो क्या रहेगा, ये एरिया है वो जिसे हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमें इसी एरिया को कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर शेप दिखाई देती है, वो है इस तरह की, और इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से है ये शेप, और जो ये शेप रहेगी ये किसकी है, एक ट्रेपीजियम की, ये शेप रहेगी एक ट्रेपीजियम की, जिसकी ये दो पैरेलल साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स। इस ट्रेपीजियम में टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और इस ट्रेपीजियम की कोई पर्टिकुलर हाइट होगी। तो हाइट के लिए हमें इस डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, और जो दो अपोजिट साइड्स हम यूज करेंगे उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, वो हम ये लेंगे। इसके लिए पॉइंट क्या है, ओ ए बी डी। तो एरिया अंडर द लाइन ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। तो यही एरिया है, तो यही वो ट्रेपीजियम है जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ऑफ
ट्रेपीजियम। तो यही फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, और जो ये फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, इसी से हम कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी उस ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी, एस। तो एस यहां हम लिख सकते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो इस साइड की वैल्यू कितनी है, यू है, जो हम यहां देख सकते हैं, और जो ये साइड है ट्रेपीजियम की, इसकी वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू वी। तो जो बी डी साइड है दैट इज इक्वल टू वी, एंड ओ ए इज इक्वल टू यू। तो ओ ए इज इक्वल टू यू एंड बी डी इज इक्वल टू वी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या रहेंगी यहां पर, ओ ए प्लस बी डी, और हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, ए सी, और जो ए सी की वैल्यू है वो इक्वल रहेगी ओ डी के, और ओ डी की वैल्यू कितनी है, टी, जो हमें यहां दिखाई दे रही है कि टी टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी हो जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू टी। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम से, जो हम लिख सकते हैं या तो ए सी या ओ डी, ओ डी हम यहां ले देते हैं ओ डी, और एस इज इक्वल टू हाफ इन टू ओ ए इज इक्वल टू यू एंड बी डी इज इक्वल टू वी, और ओ डी इज इक्वल टू टी। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला से हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने उस एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो इस इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व नहीं किया है जो उस फॉर्मूले में थी। अब जो ये इक्वेशन हमें मिलती है यहाँ पर, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व नहीं किया है इसमें, लेकिन जो फॉर्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वो क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ए को हमें इसमें इंक्लूड करना है। अब जो ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है, इट गिव्स द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिव्स द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन टाइम टी व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पर ए हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ हमें ए लेके आना है, लेकिन उस ए को हम किस तरह से लेके आएंगे कि जो यहाँ पर इस इक्वेशन में वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, वो क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे, और इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं वन, और ये इक्वेशन है नंबर टू। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू हम वैल्यू पुट करेंगे वी की इन इक्वेशन वन। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम टू इन वन। तो यहाँ पर जब v की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमें क्या मिलता है, s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस ए टी इंटू टी। तो क्या मिलेगा हमें, हाफ टू यू प्लस ए टी इंटू टी। अब इस t को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर। अब इस 1 बाई टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पार्ट को, तो हमें मिलेगा 1 बाई टू इंटू टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो ये टर्म रहेगी ये किसके इक्वल रहेगी, इट इज इक्वल टू
एस, और एस क्या है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ये इक्वेशन मिलती है हमें, यही क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमें बताएगी द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो एस क्या रहेगी, एस वो डिस्प्लेसमेंट रहेगी उस ऑब्जेक्ट की जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चलेगा विद इनिशियल वेलोसिटी यू, और जब वो मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और टी टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी। तो इस टी टाइम में उस ऑब्जेक्ट की नेट कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूज ऑफ दिस इक्वेशन विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ।